नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल में एक ऐसा लुटेरे को कोयफिजा पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिसकी लूट करने की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल 28 अक्टूबर को कोयफिजा इलाके के गुफा मंदिर के पास एक एक्टिवा सवार बदमाश ने वृद्ध महिला के गले से मंगलसूत्र झपटकर फरार हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लुटेरे तक पहुंच गई। बैरागढ़ बाजार से पुलिस ने आरोपी को उस समय दबोच लिया जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रहा था। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम नीरज भावनानी बताया और वह गिदवानी पार्क बैरागढ़ का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लूट की वारदात की थी ताकि उसके महंगे शौक को पूरा कर सके। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पूर्व में भी अपराध दर्ज हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करवाने, घुमाने और उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल उससे लूटा गया मंगलसूत्र और एक्टिवा बरामद कर ली गई है। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। दिनांक 28/2024 को फरियादी तारा ठाकुर जो नया प्लॉट रहने वाली है उनके द्वारा एक शिकायत की गई थी। जब वो शाम को उक्त दिनांक की शाम को 7 बजे जब भ्रमण कर रहे थे गुफा मंदिर के सामने, तो अज्ञात बदमाश द्वारा एक एक्टिवा गाड़ी से आया और उसका छपरमारी करके उनका मंगलसूत्र ले गया। सूचना पर थाने पर अपराध क्रमांक 602/24 धारा 304(2) DNS के तहत अपराध पंजीकृत किया गया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान DCP महोदय के निर्देशन में एक टीम गठित हुई जिसमें साइबर सेल और एक वीडियो फुटेज देखने के लिए एक टीम लगाई गई और पुराने जो अभ्यासिक अपराधी हैं ऐसे अपराधों से संबंधित उनके संबंध में जानकारी के लिए एक टीम गठित की गई थी। तो जिनके निर्देशों में श्रीमान के हम लोगों ने फुटेज के आधार पर और PST साइबर सेल की मदद से एक व्यक्ति को चिन्हित किया गया था जिसको रेकी कर रहे थे, जिसको बैरागढ़ से उठाया गया है, जिसका नाम नीरज भवनानी है जो गिदवानी पार्क बैरागढ़ का रहने वाला है। वो उसकी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग कराते हुए वो वहीं पर बैरागढ़ में पकड़ाया और जब पूछताछ के दौरान उसके द्वारा बताया गया कि वह जो इस तरीके की जो घटना को अंजाम देता था तो वो पैसे का वो यूज़ करता था। तो गर्लफ्रेंड के लिए ये हाँ उसका यही कहना है गर्लफ्रेंड के लिए मतलब हाँ ऐसे जी वैसे कितनी वारदात कर चुका है अभी फिलहाल एक का ही बता रहा है और पूछताछ की जा रही है। हमने पूर्व में इसके दो अपराध हैं जो ये धारा 188(1)(8) IPC के अंतर्गत है और एक साधारण मारपीट का है और अन्य थाने से के संबंध में जो अपराध पूर्ण हुए हैं उनके संबंध में पूछताछ की जा रही है। इसमें जो ये अकेला साहब है लूट के गाइड हाँ ये अकेला आया है। एक गाड़ी थी इस्तेमाल जो गाड़ी थी ये थी उसके पास ही मिली है और जो उसने वारदात के दौरान जो टी शर्ट पहना था वो भी उसके बरामद किया गया है। तो मसूर का भी बरामद किया गया है। मंगलसूत्र मिल जाएगा जी बेस्ट। इस खबर पर आपकी क्या है राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।